नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आप सभी का एक बार फिर से आपके ही चैनल टेक सपोर्ट इन हिंदी पर मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आज आपको बताने वाले हैं कि आप अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में कैसे शेयर बटन को लगा सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप ये जानना चाहते हैं, ये सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक का जरूर देखें। दोस्तों, मैंने पिछली बार आपको टॉर्च एप्लीकेशन बनाना बताया था, वेबसाइट को कन्वर्ट करना बताया था, और कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो प्रॉपर नहीं डाल पा रहा हूँ। तो दोस्तों, लगभग आज से आपको लगभग रोज़ एक एक वीडियो करके मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप नए मेहमान हैं हमारे चैनल पर, तो यहाँ पर देखिए सब्सक्राइब बटन है, इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल का आइकन भी मिल जाएगा, उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। और दोस्तों, जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हम आते हैं beta.thinkable.com, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हमने टॉर्च ऐप आपको फ्लैश लाइट बनाना बताया था पिछली वीडियो में। तो फ्रेंड्स, हम अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन को व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक पर, ट्विटर पर, बाकी जो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, उन सभी प्लेटफॉर्म को हम कैसे अपने एप्लीकेशन को शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं, पिछली वीडियो में हमने आपको ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाया था और यहाँ पर आपको बताया था कि टॉर्च लाइट कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए ये हमारा, यहाँ पर देखिए बल्ब दिख रहा है आपको, और यहाँ पर ये हमारा बटन है, और यहाँ पर नीचे एडसेंस का ऐड कोड है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको एडसेंस का ऐड कोड जनरेट करना है या एडसेंस के बारे में नहीं पता है और यहाँ पर इसको कैसे एड्स को लगाते हैं, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो आपको बना के दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सिंपल मैं इसको यहाँ से पहले एडसेंस ऐड कोड को हटा देता हूँ, और चलिए यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से ये डिलीट हो गया, और अब यहाँ पर नीचे मैं एक यहाँ पर बटन लगाऊंगा। तो यहाँ से सबसे पहले मैं एक लेबल उठा लेता हूँ, ताकि इनका डिस्टेंस जो है बरकरार रहे, और यहाँ से लेबल का टेक्स्ट मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक, यहाँ पर, और इसके बाद फ्रेंड्स हम चलते हैं, यहाँ पर देखिए यूज़र इंटरफेस को यहाँ से क्लोज करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए सोशल, ठीक है, सोशल पर हम यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर शेयरिंग को यहाँ से ड्रैग करते हुए लाकर इसमें ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। सिंपल सिर्फ हमें इतना काम करना है। दूसरा हमें काम ये करना है कि यूज़र इंटरफेस में आना है, और यहाँ से हमें एक बटन उठा लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक यहाँ पर बटन उठा लिया, और यहाँ पर आप यहाँ पर लिख दीजिए टेक्स्ट में शेयर, ठीक है, यहाँ पर आप शेयर कर दीजिए। उसके बाद आप चाहे तो नीचे अपना ऐड कोड यहाँ पर, ऐड बैनर यहाँ पर जो भी लगाना है आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने शेयर कर दिया, शेयर का बटन लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर हम शेप राउंडेड इसको कर देते हैं, ताकि दिखने में अच्छा लगे। इसकी फ्रेंड्स जो हाइट है, इसको हम 10 कर देते हैं, और इसका जो वेट है, यहाँ पर हम कर देते हैं 40, ठीक है, 40 हमने कर दिया। जो हमारा ये शेयर लिखा हुआ है, इसकी साइज़ हम बढ़ा के कर देते हैं 20, और इसको हम बोल्ड कर देते हैं। और ये जो हमारा बटन है, इसका हम बैकग्राउंड कलर यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं, ठीक है, टेक्स्ट कलर तो आपको दिखाते हैं, बैकग्राउंड कलर यहाँ से हम उठा लेते हैं, इसको हम कर देते हैं इंडिगो, ठीक है। और जो हमारा टेक्स्ट है, इसको कर देते हैं वाइट। तो ये हमारा शेयर का बटन रेडी हो चुका है, और आप चाहें तो यहाँ पर इसमें इमेज भी लगा सकते हैं, ठीक है। आपको गूगल पर जा कर के वहाँ पर शेयर बटन का जो इमेज है, PNG फाइल, तो यहाँ पर आप ला करके, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हाइट है, यहाँ पर वेट है, यहाँ पर इमेज। तो यहाँ पर अपना इमेज आप सेलेक्ट कर लीजिएगा शेयर बटन का, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए, मैं यहाँ पर नहीं लगाता इमेज को, यहाँ पर सिर्फ इसी पे हमें काम करना है। तो यहाँ पर हमारा ये बटन रेडी हो चुका है शेयर का, और सिंपल हम चलते हैं ब्लॉग्स में। ब्लॉग्स में जाने के बाद फ्रेंड्स, हम यहाँ पर देखिए, हमने जो भी प्रोग्रामिंग किया हुआ है, यहाँ पर जो हमने यहाँ पर ब्लॉग्स बनाया है, इसको जैसा है वैसा ही रहने देते हैं। हमें सिर्फ शेयर बटन पर काम करना है कि हमारा शेयर बटन प्रॉपर काम करे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर सिंपल क्या करते हैं, जो हमारा शेयर का बटन था,
ठीक है, देखिए यहाँ पर शेयर का बटन नहीं है, चलिए मैं इसको यहाँ से देखिए यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर डिज़ाइन पर चलते हैं और जो हमारा शेयर का बटन है इसको हम यहाँ से रीनेम कर लेते हैं, ठीक है। तो शेयर एंड ओके, अब यहाँ पर हमारा जो ये बटन है इसका यहाँ पर मिल जाएगा, देखिए शेयर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम ब्लॉग्स में चलते हैं और यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं शेयर बटन पर, ठीक है। तो हमने शेयर बटन पर यहाँ पर क्लिक किया, देखिए यहाँ पर हमारा ये इसको पकड़ लेते हैं, यहाँ से इसको ड्रॉप कर लेते हैं, ठीक है। व्हेन शेयर क्लिक, जब शेयर बटन पर क्लिक होगा तो क्या होगा, तो सिंपल हम यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे और शेयर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो थर्ड नंबर पर है शेयरिंग शेयर मैसेज, यहाँ पर हम शेयर कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम ड्रॉप कर लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमें चलना है टेक्स्ट में, टेक्स्ट में आने के बाद हमें ये वाला उठा लेना है, ठीक है, और इसमें हमें जो हमारा प्ले स्टोर का जो एड्रेस है उसको यहाँ पर हमें डालना है। तो चलिए हम यहाँ पर प्ले स्टोर का एक एड्रेस यहाँ पर उठा लेते हैं किसी भी एप्लीकेशन का, फॉर एग्जाम्पल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए गूगल प्ले स्टोर खुल चुका है, चलिए हम यहाँ पर एक एप्लीकेशन का यहाँ पर इसको क्लिक कर लेते हैं, देखिए ये हमारा एप्लीकेशन खुल चुका है, ये कोई भी एक फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, और इसका यूआरएल मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद देखिए थंकेबल में आते हैं और यहाँ पर इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट करने के बाद चलते हैं इसके स्टार्टिंग में, ठीक है। HTTPS जो लिखा हुआ है यहाँ पर लिख दीजिए हाय डाउनलोड दिस ऐप, यहाँ पर डाल के आप छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये हमारा शेयर बटन रेडी हो चुका है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैं डिज़ाइनर में आता हूँ, अब जब भी कोई इस शेयर बटन पर क्लिक करेगा तो उसके लिए बहुत ही आसानी से शेयर के लिए ऑप्शन खुल जाएगा, वो अपने व्हाट्सएप में, फेसबुक में, ठीक है, किसी भी जगह पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकता है बहुत ही आसानी से। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इसका अगर आपको लाइव टेस्ट करना है तो यहाँ पर देखिए लाइव टेस्ट, यहाँ पर लाइव थंकेबल, ठीक है। तो ये लाइव टेस्ट मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। अभी यहाँ पर मैंने अपने मोबाइल को प्रोजेक्ट नहीं किया तो यहाँ पर मैं अभी नहीं शो कर रहा। तो आप बहुत ही आसानी से शेयर बटन इस तरह से लगा सकते हैं और ब्लॉग्स पार्ट को आप बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं और शेयर बटन लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही था इस वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। और एक अन्य एप्लीकेशन को मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे बहुत ही आसानी से आप अपने एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर पब्लिश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।